हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पिंगलाक्स ट्यूटोरियल्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश एंड आई होप यू ऑल शुड बी फाइन, हेल्दी एंड हैप्पी। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरबीआई। आप लोगों ने सबने नाम तो सुना ही होगा। तो क्या है आरबीआई और कैसे सेटअप हुआ, क्या फंक्शनिंग है, आज हम इस वीडियो में आपके साथ वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बोल्ड में जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो यहाँ पे लिखा आपको वीडियो में दिख रहा है, ये कंटेंट आपको मेजरली आपको मैं कह सकती हूँ हाईलाइट किया गया ताकि आप इसी को याद रखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। समझाने के लिए काफी कंटेंट है, लेकिन बोल्ड कंटेंट इज वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड या इसके थ्रू ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई की हिस्ट्री क्या है? द आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन दी 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। कंफ्यूज मत होना, एक्ट है 1934 आरबीआई का, और अगर उसको फाउंड किया गया, कब बना फाउंडेड? इन 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन हिल्टन यंग कमीशन इन 1926। ये एक रिकमेंडेशन है, कब? 1926 में, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन बनता है कि रॉयल कमीशन, तो आप समझ जाना वो हिल्टन यंग कमिटी या हिल्टन यंग कमीशन का है। इट्स द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड वॉज नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 1949। And since then, it is fully owned by the government of India. Initially, the central office of the Reserve Bank of India was established in Calcutta, but later it was permanently moved to the Mumbai in 1937. और आज भी मुंबई में ही है। तो क्या हेड ऑफिस पहले कहाँ था, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब कहाँ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कब उसका क्या कहते हैं फाउंडेड हुआ और किस एक्ट में हुआ, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बोल्ड लेटर्स को या बोल्ड कंटेंट को प्लीज आप फोकस कीजिएगा। क्या काम है जनरली आरबीआई का? करेंसी सर्कुलेशन एंड मैनेजमेंट इन लेंडिंग रेट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द आरबीआई। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई। फंक्शन क्या है आरबीआई के? नंबर वन इज इश्यूएंस ऑफ द करेंसी। RBI is the main and sole authority in the India to issue the currency. Issue करना करेंसी को, सबसे मेन अथॉरिटी आरबीआई की ही है, और सोल मीन्स अकेली उसी की और किसी की नहीं है। अंडर द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करेंसी ऑल अक्रॉस द नेशन विद द हेल्प ऑफ द करेंसी चेस्ट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंक है। एक तो इशू करेंसी, करेंसी को इशू करता है, ये उसका फंक्शन है। बैंक गवर्नमेंट का भी बैंक है, अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए हो, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हो देश के लिए, कंट्री के लिए, तो भी वो आरबीआई से ही करेगी। तो वी कैन से आरबीआई इज आल्सो नोन एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड लोन, मॉनेटरी हेल्प टू द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्टीट्यूशन नोन एज द मीन्स एंड वेज एंड एडवांसेस। बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंक जितने भी हैं उनका भी बैंक है, यानी उन सबका भी एक मेन बैंक है जो गाइडलाइंस उनके लिए जारी करता है और जिसको सारे बैंक फॉलो करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ दैट इज डज टू प्रोवाइड द टाइमली सप्लाई ऑफ द क्रेडिट टू द अदर बैंक्स एंड वेदर वेन एवर रिक्वायर्ड, प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट, रीफाइनेंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। ये सारे काम एज बैंकर ऑफ द बैंक आरबीआई करता है। और भी डिस्कस करते हैं हम क्या फंक्शन है। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोलर। Liquidity in the market is maintained by the RBI as it can fix interest rate, exercise relative like interest rate को भी fix करता है, bank rate जो हमारे हैं, selective credit control. There are various monetary tools such as change in the CRR, cash reserve ratio, SLR, stipulation of the margin on securities and director credit guidelines. तो controller of the credit का काम भी करता है। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR जो पोर्शन है वो एवरी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपना पार्क करना पड़ता है उस परसेंट का, जैसे अभी 4% है उतना पार्क करना पड़ता है अपना लिक्विड लिक्विड कैश। एंड SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, विच इज ये कैश हर बैंक को इंडिविजुअली अपने पास उतना पैसा रिजर्व में पार्क करके रखना पड़ता है। तो ये सारे कितना रखना है, कितना बैंक के पास रखना है, क्या क्रेडिट के रेट्स हैं, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट्स क्या है, ये सारा भी काम आरबीआई ही डिसाइड करता है। कंट्रोलर ऑफ द बैंक, ये भी उसका फंक्शन है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द सेंट्रल बैंक वॉज टू कंट्रोल अदर बैंक एंड रेगुलेटेड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेट गाइडलाइन सो दैट देयर इज नो मोनोपोली एंड टाइमली क्रेडिट इज अवेलेबल।
तो ये भी काम करता है कंट्रोलर ऑफ द बैंक का आरबीआई। मेंटेनेंस ऑफ द एक्सटर्नल वैल्यू, आरबीआई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एज वेल एज द इंटरनल वैल्यू। इंडियन करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करने के भी फंक्शन आरबीआई का है। मेंटेनिंग एक्सचेंज रिजर्व आर हेल्ड बाय द आरबीआई एंड इट इज ऑल्सो होल्ड अ वाइट पावरफुल एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अंडर द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट। नाउ डिस्कस अबाउट दी आरबीआई स्ट्रक्चर। ब्रॉडली बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पर मैं आपके साथ में जो आपको जिसे क्वेश्चन बनेंगे और जिससे आपको पता होना चाहिए वही डिस्कस कर रही हूँ। द रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द वाइट पैनल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द डायरेक्टर्स। सम ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड दे आर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ओके, अभी क्या ऑफिशियल्स हैं इनके डायरेक्टर्स के, फुल टाइम गवर्नर एंड नॉट मोर देन दी 4 डिप्टी गवर्नर, इससे ज्यादा नहीं होते। एक गवर्नर और एक 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं हमारे। करंटली हमारे कौन से हैं, शक्तिकांत दास इज द गवर्नर ऑफ दी आरबीआई जो आईएएस रिटायर्ड हैं। श्री, अब हमारे डिप्टी गवर्नर डिस्कस करते हैं, श्री DRMD पात्रा डिप्टी गवर्नर है। दूसरे हैं श्री MK जैन, तीसरे हैं श्री BP कानूगो एंड अभी जो लेटेस्ट फोर्थ हैं जो चेंज हुए हैं 9th अक्टूबर 2020 को, वो हैं श्री M. राजेश्वर राव जो हमारे फोर्थ अभी डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। नाउ डिस्कस अबाउट सम इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड विद द आरबीआई जो आरबीआई के साथ कनेक्टेड हैं और उसके साथ वर्क कर रहे हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DICGC, ये एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है। द रोल ऑफ सब्सिडी इंस्टीट्यूशन इज DI फॉर इंश्योरेंस इफ एनी लॉस इंडिविजुअल बाय बैंक अप टू द 1 लाख। अगर किसी बैंक को कोई लॉस होता है या इंसॉल्वेंट होता है और उस केस में कस्टमर को 1 लाख का, जो बैंक का कस्टमर है, 1 लाख का इंश्योरेंस मिलने की DICGC से एश्योरेंस रहती है विद दिस इंस्टीट्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के साथ में कनेक्टेड है। मुद्रण प्राइवेट इज ऑल्सो करेंसी प्रिंटिंग एंड रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द आरबीआई एंड फॉर द नेशन। तो ये इस तरह से काम करती है जो इसकी इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई से कनेक्टेड है। डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दी आरबीआई। अभी तक हमने ये सब चीजें पढ़ी, हमें और चीजें भी पता रहनी चाहिए। आरबीआई डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। जो काम हम जनरल बैंक में जाके, कमर्शियल बैंक में जाके करते हैं, वो काम हम आरबीआई में जाके इंडिविजुअली डीलिंग, कस्टमर डीलिंग नहीं करता, पर्सनल डीलिंग नहीं करता। प्राइम लेंडिंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाई द आरबीआई ऑफ द इंडिविजुअल बैंक। ओके, सेकेंड वन इज RBI hold the responsibility to decide the following rates, namely bank rate, repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio. ये जो रेट हैं, ये RBI ही decide करता है, okay? One of the instrument of RBI is quantitative instrument of RBI are bank rate policy, cash reserve ratio and the statutory liquidity ratio. The objective of the monetary policy set by the RBI, जो RBI monetary policy set करती है, उसका objective क्या है? To control the inflation, discourage hoarding of the commodities and encourage the flow of the credit into the neglect sector. RBI is lender of the last resort, which means RBI advance credit against the eligible securities. RBI credit bhi aapko deta hai against the eligible securities. Individual person ko nahi, banks ko ya government ko ya unko provide karta hai. Okay, hum tum jaake nahi le sakte yaar. नेक्स्ट इज मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स क्वांटिटी इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, कॉइन्स कितनी क्वांटिटी में बनेंगे जिसे हम कहते हैं चेंज, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन, सीडी देशमुख पहले। एंड KG ओडेशी वॉज द फर्स्ट विमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये फर्स्ट आपके इंडियन गवर्नर थे, ये फर्स्ट विमेन डिप्टी गवर्नर थी KG उदयशी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
नंबर वन इज व्हेन डिड द आरबीआई ऑफ यानी कि आरबीआई वाज फॉर्मड, कब फॉर्मड हुआ, 1935, 1 अप्रैल 1935. विच एनिमल इज रिप्रेजेंट और प्रेजेंट इन द लोगो ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के लोगो में कौन सा एनिमल है प्रेजेंट, ये क्वेश्चन भी बन सकता है. इसमें है रॉयल बंगाल टाइगर, जो पीछे उनके जो पेड़ है वो है पाम ट्री, जैसे हिंदी में ताड़ का पेड़ भी कहते हैं, विद पाम ट्री, तो ये उनके उसके लोगो पर है. When did the RBI nationalized? 1949 is the right answer. Who was the first Indian governor of the RBI? C.D. Deshmukh, Shri Sir C.D. Deshmukh. और first British governor थे Osborne Smith. Okay? अगर पूछा जाए Indian governor तो C.D. Deshmukh. पूछा जाए Deputy governor women तो उडेशी, K.G. उडेशी. और अगर British governor पूछा जाए first Indian ना लगाया जाए तो Osborne Smith. Which currency signed by the government? शक्तिकांत दास, क्योंकि अभी बने थे तो उन कौन सी करेंसी है जो उनके द्वारा साइन की गई है, 50 रुपए का नोट है जो उनके द्वारा साइन किया गया, फर्दर और भी नोट साइन किए जाएंगे बट इट स्टार्टेड फ्रॉम द 50 रुपीज नोट. विच अमंग द फॉलोइंग वाज चोजन अ यूनिट ऑफ द डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लीड बैंक सिस्टम. लीड बैंक सिस्टम मीन्स किस यूनिट को चूज किया जाता है लीड बैंक सिस्टम दिखाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को चूज, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी एक बैंक की काफी अच्छा बिजनेस है या काफी अच्छी उसने डेवलपमेंट किया है, उसका काम अच्छा है, तो उसको वहां पर लीड बैंक स्कीम या लीड बैंक के नाम से कहते हैं कि वहां पर किस बैंक ने कौन सा लीडिंग बैंक है, यानी लीडिंग बैंक मीन्स उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लीडिंग बैंक है. लीडिंग बैंक का मतलब सिर्फ नाम से नहीं, वहां पर किस बैंक ने ज्यादा अच्छा काम किया है और किस बैंक का ज्यादा अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसे लीड बैंक कहते हैं. नेक्स्ट वन इज केवाईसी गाइडलाइंस हैज बीन इशूड अंडर द विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 35A, सेक्शन हो गए या फिर एक्ट हो गए दैट यू हैव टू मग अप. ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया. CRISIL, यानी CRISIL इज द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ओके, तो क्या ये इंडियन क्रेडिट एजेंसी जो हमारी इंडस्ट्री में मेनली है, CRISIL, ICRA, CARE, ONICRA, Fitch, SMERA, तो CRISIL इज द लार्जेस्ट क्रेडिट एजेंसी. ये सारे नाम हमारे जो मैंने बोले अभी आपके साथ में, ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट है वो हमारी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL. ओके, द नेक्स्ट वन इज What is the population limit at the place under which bank don't require a license from the RBI to open a branch? 50,000 की population अगर कहीं पर है तो फिर bank को वैसे तो RBI license issue करता है, लेकिन अगर 50,000 की है तो आप आराम से वहाँ पे मतलब formalities को पूरा करके bank अपना open कर सकते हैं, मतलब individually कोई भी autonomous body. What is the primary aim of enacting the SAR, FAE, SI, Surface I Act भी कह सकते हो? Recovering the loan. क्या काम है इनका? Recovering the loan. Loan को recover करना. Next is which is the following also known as the bank owned ATM. Bank owned ATM is white level ATM. मैं आपको भी समझाती हूँ कि किस तरीके के ATM होते हैं. White level ATM are those ATM which set up owned and operated by the non-bank entities. यानी उस particular bank की entity का नहीं है. अगर मैं PNB का अगर बात कर रही हूँ तो white level अगर ATM है तो white level ATM उस bank का नहीं है, वो किसी और मतलब किसी और entity का है जो अपना hardware या अपना bank अपनी जो machine है वो उनको इशू कर रहे हैं और मतलब उनको दे रहे हैं टू एड द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ड्राइव एटीएम पेनिट्रेशन इन द कंट्री. एंड फर्स्ट वाइट लेबल एटीएम इन इंडिया वाज अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इंडी कैश. ठीक है, इंडी कैश के थ्रू बनाया गया था. तो वाइट लेबल में क्या है, वो बैंक का एटीएम नहीं है, वो किसी इंडिविजुअल कंपनी का एटीएम है जो एटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके अंदर कैश है वो बैंक का है, हार्डवेयर वो प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट एक अभी एक और हमारा होता है ब्राउन लेवल एटीएम. ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है, वो दैट आर ओन्ड एंड मेंटेन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो बैंक का है वो बैंक, यानी बैंक के जो हम एटीएम यूज करते हैं उसे ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं. स्पॉन्सर्ड बाय द बैंक हुज ब्रांड इज यूज्ड ऑन द एटीएम टेक केयर ऑफ द कैश एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी,
यदि जिस अभी हम जो यूजुअली यूज कर रहे हैं, अगर एसबीआई का तो एसबीआई का ही है, तो पीएनबी का तो पीएनबी का ही है, एक्सिस का तो एक्सिस का ही। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ ब्राउन लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब है कि किसी और कंपनी का या ब्रांड का एटीएम, उसने अपनी हार्डवेयर और वो सर्विस प्रोवाइड किया, लेकिन कैश कंपनी का है, स्पॉन्सर बैंक का, लोगो भी उन्हीं का लगता है उस पर। दूसरा है, नेक्स्ट है, चार तरीके के होते हैं, व्हाइट, ब्राउन, ऑफ साइट एंड ऑन साइट। ऑफ साइट एटीएम, ऑन साइट एटीएम, वो एटीएम जो बैंक के पास ही, यानी कि एटीएम दैट आर सेटअप इन दी प्रीमाइसेस, बैंक के प्रीमाइसेस में ही सेटअप है, तो वो ऑफ ऑन साइट एटीएम है। और जो एटीएम बैंक के प्रीमाइसेस में सेटअप नहीं है, बाहर सेटअप है, उसे हम ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बैंक ओन्ड एटीएम, इज द बैंक ओन्ड एटीएम इज द व्हाइट लेवल एटीएम। ओके, सॉरी, ब्राउन लेवल एटीएम, यहाँ पे ब्राउन लेवल एटीएम इज द राइट आंसर। The next one is, which of the following is not true regarding inclusion? Okay, financial inclusion. क्या true नहीं है financial? देखो, financial inclusion क्या होता है कि लोगों का पैसा बैंक तक आए, ताकि बैंक उससे बिजनेस करे, लोगों को भी फायदा हो और बैंक को भी फायदा हो, कंट्री को भी फायदा हो। कैसे? पहले इनिशियली क्या होता था, लोग अपना पैसा अपने पास ही रखते थे, जिन लोगों को बैंक के बारे में नॉलेज नहीं थी, या बैंक का काम या फॉर्मेलिटीज उन्हें बहुत ज्यादा लगती थी, तो कि भाई ये हमसे होगी नहीं, हमारे बस का नहीं, इतना पेपर वर्क ये वो, तो वो क्या करते थे, अपना पैसा अपने पास रखते थे, पर वो पैसा वहां रखने से बढ़ तो रहा नहीं था, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना जरूरी था, तो वो विद द जनधन योजना, सम अदर स्कीम्स, अब वो चीजें होने लगी हैं। तो क्या काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? ब्रॉडली फाइनेंस को इंक्लूड करना कंट्री में, और इन्वेस्टमेंट करना, जिससे बैंक को भी फायदा होगा जिसके पास वो पैसा आ रहा है, कस्टमर को भी फायदा होगा जिसका वो पैसा है, और इवेंचुअली नेशन को भी फायदा होगा। तो इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का नहीं है? बीएसबीडीए अकाउंट विद द मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हिच इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम का क्या है? इनकम टैक्स इज द राइट आंसर। Which of the following is the first regional rural bank? सबसे पहला regional ग्रामीण बैंक कौन सा है, जैसे regional rural ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा नाम से ही आप समझ जाएंगे, अगर पूछे पहला बैंक कौन सा है तो प्रथमा ग्रामीण बैंक। RBI was formed as the dash institution. Initially RBI shareholder form institution के form में तैयार किया गया था, यानी पहले वो shareholder kind की एक institution थी। तो these are the questions. So we have discussed about the RBI. और ये सारा कुछ आप एक बार पढ़ लेंगे, बोल्ड में जो कंटेंट है उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन उसी से फ्रेम होंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप प्लीज इसे कीजिए, एंड वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। वी विल मीट सून विद अनदर टॉपिक ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज, आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, कंटेंट को आपको ईजी फॉर्म में दे रही हूँ, ताकि आपको आराम से जो चीज आपके लिए रिक्वायर्ड एग्जाम में वो मिले। सो प्लीज, इस मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज डू इट। थैंक यू।